हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे एरो 2 का रोटरी पंप के बारे में। क्या फंक्शन है इसका, कैसे क्या काम करता है, इसका टाइमिंग कैसे करते हैं, हम लोग पंप को एडवांस या रिटर्न कैसे करते हैं, ये जो नोजल का पाइप देख रहा है इसका टाइमिंग क्या है, सारा चीज़ जानेंगे आज इस वीडियो में हम लोग। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। ये पंप का हमारा एक नंबर नोजल पाइप यहाँ पे 1, 5, 3, 6, 2, 4 ये फायरिंग ऑर्डर है हमारा पंप का। अब इसी के अनुसार हम नोजल पाइप को लगाएंगे यहाँ पे इंजेक्टर में, देख सकते हैं आप एक नंबर। तो ये हो गया हमारा एक नंबर, नीचे से बाहर से एक नंबर, ये हमारा हो गया 5, ये हो गया 3, 6, 2, 4 1, 5, 3, 6, 2, 4 ये हमारा ये पंप का टाइमिंग है नोजल पाइप का। अब एक नंबर जो हमारा नोजल पाइप है यहाँ से आके सीधा हमारा इसमें लगेगा। पाइप भी हमारे पास में देख सकते हैं, सेट करते हैं ऐसे, इसको सेट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक नंबर पाइप है, एक नंबर नोजल में वहाँ पे गया, देख सकते हैं एक नंबर पाइप हमारा ये यहाँ पे, ये पाइप देखिए एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गई। एक 5 नंबर हमारा यहाँ आ जाएगा, 2 नंबर पाइप हमारा यहाँ आ जाएगा और 6 नंबर पाइप यहाँ। टाइमिंग हो गया हमारा 1, 5, 3, 6, 2, 4 इस तीन जगह हो गया, 1, 2, 3 1, 2, 3 का हमारा पाइप लगा हुआ है, 1, 2, 3 ऐसे ही सेम प्रोसेस हमारा रखेंगे वही पाइप। तो देख लिए हम लोग, टाइमिंग समझ लिए पंप का, एक नंबर पाइप इसमें, 5 नंबर नोजल पाइप इसमें, 3 नंबर नोजल पाइप इसमें और 6 नंबर नोजल पाइप इसमें, 2 नंबर नोजल पाइप इसमें और 4 नंबर नोजल पाइप इसमें। ये हो गया हमारा रोटरी पंप का टाइमिंग। अब सोलेनाइड, ये सोलेनाइड स्विच है, 12 वोल्ट का स्विच होता है। इसमें होता है क्या कि अगर ये हमारा सोलेनाइड काम करना बंद हो जाएगा तो गाड़ी हम चाबी से ऑन ऑफ नहीं कर सकते। स्टार्ट तो हो जाएगा चाबी से लेकिन ऑफ नहीं होगा। रीजन क्या है कि फ्यूल जो 24 वोल्ट का इंजन, ये एरो 2 इंजन है भाई, 12 वोल्ट का ये स्विच लगा हुआ हमारा, ठीक है, सोलेनाइड स्विच है 12 का। यह जब ख़राब होता तो गाड़ी क्या होता है, चाबी से बंद नहीं होगा, क्रैंकिंग करेगा लंबा क्रैंकिंग लेता है, डायरेक्ट फ्यूल का भी खपत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि तेल हमारा डायरेक्ट जाना शुरू हो जाता है इसमें। आज़िम भैया, 13 नंबर का रिंग रिंच और पेचकस थोड़ा ले कर आइए। तो और एक चीज़ और देखिए, हम लोग मान लीजिए आरपीएम इसका कम या बेसी करना, ये गवर्नर है हमारा, गवर्नर देख रहे हैं यहाँ पे अंदर में जो लगा हुआ है 10 नंबर का लंबा बोल्ट, इधर से देख सकते हैं भाई। ये जो देख रहे हैं ना, इससे हम यहाँ अंदर में 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, इसको ढीला करके चूड़ी ढीला करेंगे तो हमारा आरपीएम कम होगा और टाइट करेंगे तो आरपीएम इससे हमारा बढ़ेगा, आरपीएम बढ़ता है, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया हमारा आरपीएम का सिस्टम। और अब देख लीजिए तेल, बहुत से भाई लोग ड्राइवर लोग बोलते हैं यार थोड़ा तेल कम दो कर दो, थोड़ा तेल या बढ़ा दो, पिकअप तोड़ रही है गाड़ी या फिर ज़्यादा डीजल खा रही तो कम कर दो माइलेज के सेटअप के लिए। ये इससे हमारा तेल कम और ज़्यादा होता है। मान लीजिए इसको ढीला कर दिए, ये ढीला हो गया हमारा, ढीला करके अगर इसको हम टाइट करते हैं, ऐसे लगा के टाइट करते हैं, ये अगर टाइट करेंगे इसको तो होगा क्या कि डीजल हमारा कम होगा, ठीक है।
और इसको ढीला करके जब थोड़ा सा खोलेंगे, ये खुल रहा है, ये इससे डीजल हमारा बढ़ेगा, तो टाइट करेंगे तो घटेगा, खोलेंगे तो बढ़ेगा। तो ये हो गया डीजल तेल बढ़ाने वाला पंप का सेटअप, इतना हो गया। पंप का टाइमिंग समझ लिए, इसका स्विच के बारे में समझ लिए, और एवरेज तेल सेटिंग करना है, इसको कम बेसी अगर करना है तो इससे होता है, और आरपीएम सेट करना है तो इधर अंदर में हमारा दिया हुआ है, यहाँ ये गवर्नर में अटैच रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर का जो लगा हुआ है, ये इससे हमारा आरपीएम सेट होता है, कम करना है या ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 3 क्लिप लगा हुआ रहता है, कितना नंबर 3 क्लिप लगा हुआ रहता है, 2 क्लिप हमारा ये सोलेनाइड में है, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ताकत के लिए ये दिया हुआ रहता है चढ़ाई पे। बहुत सा मैकेनिक भाई लोग जो एवरेज का काम करते हैं वो बखूबी ध्यान देते हैं ये दोनों पे, और बहुत से तो नहीं दे पाते हैं। इसका कनेक्शन कहाँ से आता है हम देख लेते हैं, ये हवा हेड, हवा का चेंबर है, ये हवा हेड का, यहाँ पे हमारा स्विच लगा हुआ रहता है, यहाँ से जो कपलर निकलता है बाहर निकल के एक हमारा आ जाता है इसमें सोलेनाइड में, और दूसरा आ जाता है इस सोलेनाइड में। उसका इसका इस स्विच का काम किया कि जब चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ती है ना तो ये एक्स्ट्रा ताकत देता है पंप को, ये स्विच एक्स्ट्रा ताकत जिस हिसाब से चढ़ाई पर गाड़ी को ताकत चाहिए उस हिसाब से ये प्रोवाइड करवाता है इसको, जिसको मतलब देता है पंप को, थोड़ा पिकअप बना लेता है चढ़ाई पर तो गाड़ी पिकअप नहीं खाती। माइलेज के लिए स्पेशली इस स्विच को लगाया जाता है, लगा हुआ है तो इसमें कनेक्शन भी बखूबी तरह से करके हम लोग कनेक्शन करंट दे देना है इस सब में, ताकि माइलेज में गाड़ी का दिक्कत ना हो। ये गवर्नर देख रहे हैं, इससे हमारा इंजन बंद, मान लीजिए अभी इंजन स्टार्ट है हमारा, कोई सिस्टम हम लोग को नहीं पता है तो इसको बस थोड़ा सा अपने और खींचेंगे चौक की तरह, और हमारा इंजन बंद, छोड़ देते हैं तो फिर जगह पर आ जाएगा, और खींच देंगे तो फिर बंद हो जाएगा इंजन। इतना तो हम लोग समझ गए, ये वाल डायरेक्ट रहेगा तो इससे बंद चालू वाला एक चौक सिस्टम कर सकते हैं। हाँ, ये वाल ख़राब होता है उस समय, चाबी से नहीं होगा, चाबी से करंट देने पर सोलेनाइड ख़राब हो जाता तो काम ही नहीं करता है। इसके बाद आ जाइए पंप रिटर्न और एडवांस कैसे करते हैं। ये 13 नंबर का बोल्ट एक यहाँ पे है, एक ऊपर सामने अंदर में लगा हुआ है यहाँ पे, और एक नीचे में लगा हुआ रहता है नीचे साइड से, वहाँ पे अंदर में यहाँ पे नीचे साइड में, तीनों बोल्ट को हम लोग ढीला कर लेंगे, और पंप अभी फुल एडवांस में देख सकते हैं आप, ये जो होल दिखाई दे रहा है ना फुल एडवांस में, यहाँ पे भी देख लीजिए सटा हुआ है पंप हमारा गवर्नर, फुल एडवांस है इसको, मान लीजिए रिटर्न करना है तो इसको ढीला कर लेंगे, ये तीनों बोल्ट को ढीला करके थोड़ा सा पंप को बाहर की ओर खींच देंगे, हल्का सा जितना हमको ज़रूरी है तो रिटर्न हो जाएगा, अगर एडवांस करना रहता है तो फिर इसको ढीला करके और एडवांस करते हैं। अगर पंप खोलते हैं तो इसको खोला किस तरह जाता है वो भी चीज़ देख लेते हैं भाई हम लोग। ये जो देख रहे हैं ना, इससे होता है क्या कि जब हम पंप खोलते हैं कब पंप हमारा ख़राब हो जाता है, जब खोलते हैं तो पंप टाइमिंग पे आता है ना, जब देख सकते हैं पंप को टाइमिंग करने वाला ये प्लास्टिक का नोजल लगा हुआ है, ये वाला देख सकते हैं, इसको क्या है कि नीचे से हम लोग दबाते हैं, इसे ऐसे दबा के रखते हैं, इंजन घुमाते हैं ना तो ये लॉक कर देता है इंजन को, हमारा इंजन घूमने नहीं देगा, मतलब समझ जाइए कि हमारा टाइमिंग आ गया, टाइमिंग 1 नंबर जो पिस्टन रहता है वो टॉप पे आ जाता है तभी आता टाइमिंग। टाइमिंग पर आ जाने के बाद वो चीज इसको हम लोग खोल के ये बोल्ट 10 नंबर बोल्ट खोल के ये निकाल, ये जो क्लिप लगा हुआ है यहाँ पे इसको निकाल देंगे, और फिर इसको फुल टाइट कर देंगे तो पंप जहाँ टाइमिंग रहेगा हमारा वहीं पर रहेगा, इससे ज़्यादा कोई इशू है नहीं इसमें, यही है रोटरी पंप। थैंक यू।